जाओगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल कार्यालय में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बैंक पर लगे एक सुरक्षा कर्मी ने मद उपभोक्ता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो बगैर मास्क के बैंक में आ गया था। घटना के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गार्ड को अपने किए पर कोई पछतावा होता नहीं दिख रहा। गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। जेल जाएंगे ना। बताया जा रहा है बिना मास्क पहने आने के बाद गार्ड और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद गुस्साए गार्ड ने दुनाली बंदूक से गोली मार दी। बरेली जंक्शन के पास नॉर्थ रेलवे कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय राजेश कुमार राठौर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हेल्पर हैं। क्या नाम आपका? अच्छा जी, क्या हुआ आपके पति? किसने गोली मारी, क्या वजह थी? भैया बैंक ऑफ बड़ौदा गए थे किताब की एंट्री करवाने, तो पहली बार मास्क लगा के नहीं गए थे। गार्ड बोला मास्क लगा के आ, दोबारा मास्क लगा के गए थे। तब गार्ड ने बोला कि लंच का टाइम हो रहा है, बाद में आना। फिर उन्होंने कहा हम भी ड्यूटी करते हैं, हमारे भी लंच का टाइम हो रहा है, देख लीजिए। लंच की जबकि टाइम नहीं था और गार्ड ने धक्का दे दिया, तो इन्होंने कह दिया कि मतलब हमें अंदर जाने को, केवल किताब एंट्री करानी है। इतने में गार्ड ने गोली मार दी, फ़ोन भी खराब कर दिया था। लड़की ने हमारी फ़ोन किया तो तब इन्होंने बताया कि गार्ड ने गोली मार दी। जब तो हम वहाँ आए, बहुत लड़वा चुका था भैया। शुक्रवार को सिविल लाइन्स स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में गए थे। बगैर मास्क कार्यालय के अंदर घुस गए जिस पर गार्ड से उसकी कहासुनी हुई। इसके बाद वह लौट आए, दोबारा फिर बैंक के अंदर बगैर मास्क जा रहे थे जिस पर सुभाष नगर के रहने वाले गार्ड केशव कुमार ने विरोध किया। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी और नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक के बीच गुस्साए गार्ड ने अपनी दुनाली बंदूक से राजेश को गोली मार दी और वो गोली उसके बाएं पैर में जा लगी। वहीं मामले की सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक बैंक में आए थे तो कुछ किसी बात को लेकर बहस हुई है और उसमें फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा उनके गोली मार दी गई, तो उनके जो जांघ के ऊपर गोली लगी है और जो घायल व्यक्ति है उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर है। और जो गार्ड है जिसने ऐसा किया उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सारे प्रकरण की इसमें पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों के चलते ये गोली उसके द्वारा चलाई गई है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड केशव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में गार्ड ने बताया कि दोनाली बंदूक लोड थी, इस वजह से चल गई, गोली उसने नहीं मारी है। जबकि अभी तक घायल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। टाइम 24 न्यूज के लिए बरेली से सुनील सक्सेना की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।